शहर में घूम रहे बेसहारा व छुट्टा पशुओं को रखने के लिए नगर निगम द्वारा महवा गल्ला मंडी के समीप कान्हा उपवन गौशाला का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काट करके किया। उसके बाद सीएम योगी ने गौशाला का निरीक्षण कर यहां पशुओं के लिए चारा पानी व पशु चिकित्सकों की भी व्यवस्था करने के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किए। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने परिसर में वृक्षारोपण कर स्वस्थ पर्यावरण का संदेश दिया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि अक्सर लोग छुट्टा पशुओं के हमले से घायल हो जाते हैं, किसान के फसल नुकसान हो जाते हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम द्वारा गौशाला का निर्माण कराया गया है, जिसमें बेसहारा व छुट्टा पशुओं को रखा जाएगा तथा इनके खाने रहने की व्यवस्था रहेगी और पशु चिकित्सक भी यहां मौजूद रहेंगे जो बीमार पशुओं का इलाज करेंगे। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पार्षद राम भुआल कुशवाहा, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, डीएम के विजेंद्र पांडे, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। सिटी के जितने हुए सब यहाँ आराम से
जो बिहाई वाली हो, एक जो बछड़े हो, एक जो दूध न देने वाले हो, जो ऐसे हो, और एक जो छोटे बच्चे हो, चार कैटेगरी कर दे दो, चार कैटेगरी कर दीजिए। उन चार कैटेगरी को जो है, चलो भैया भेज लीजिए, और बाकी अन्यों के लिए आना। तो ये सभी जो है पर्याप्त वो कर देंगे आपको, ये इसको ठीक करवा के जल्दी से करवा करके और यहाँ रखना शुरू करो। चलो और आगे बढ़ो। ये है सर, दूसरा रखने का नाम है सर, वो है सर जो उसका जो बॉर्डर ये सामने सर, ये चार जो क्वार्टर है यहाँ का जो सिग्नल रहते हैं। यात्रा महानगर के अंदर
जिससे भी मुक्ति मिलेगी। प्रदेश सरकार ने देश के सभी 71 जनपदों में शहर हो या गांव, हरेक स्थान पर नासिक को वंश के लिए आश्रय स्थल बनाने के प्रयास को धनबाद के तीन जनपद को कवर कराए। मुझे पसंदता है कि गोरखपुर महानगर की महानगर के लिए अच्छी व्यवस्था करती है, जिसके कारण महानगर के अंदर लगभग 1 से 1.5 हजार लोगों को एक आश्रय स्थल पर आसानी से रखा जा सकता है। होंगे और व्यवस्था से जुड़े हुए लोग होंगे, मैं उनसे इसकी बातें कहूंगा कि वह पहले ही कैटेगरी तय कर लें, बच्चों की अलग, छोटे बच्चों की अलग, ब्याही के कार्यों की अलग और शेष अन्य गोवंश की अलग अलग व्यवस्था कर देंगे। तो जितना शहर के पास उपलब्ध है बाल उसे 1500 गोवंश के रखने के लिए पहले चरण में पर्याप्त मात्रा में जिसका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, हमें कुछ दिशा में भी पढ़ना चाहिए जिससे गोवंश को संचालित करने वाले आश्रय स्थल स्वयं स्वावलंबी हो सके। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक राष्ट्रीय गोवंश के 30 रुपये की व्यवस्था की अलग से दी है, लेकिन साथ ही साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग आने वाले समय में पंचायतर कार्यक्रमों मीडिया के साथ या गोरखपुर में बनने वाले हिंदुस्तान पंचायतर और दुर्गा विराम से जुड़े हुए जो भी संस्थान रहते हैं इनके साथ हमारा एक समझौता होने जा रहा है कि जितने भी राष्ट्रीय गोवंश के लिए बनाए गए आश्रय स्थल हैं, इन आश्रय स्थलों में जो गोवंश रहेगा उनके गोबर से कंपोस्ट बनाने का कार्य गौशाला केंद्र हम लोग करेंगे और 7 से 7.5 रुपये प्रति किलो कंपोस्ट खाद खरीदने की जानकारी ये संस्थाएं करेंगी और लगता है इससे सभी गौशालाएं स्वतः ही आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकती है। हमारा प्रयास करना चाहिए कि अगर गोवंश और गोमाता हमारी आस्था की प्रतीक है तो हम उसकी सेवा भी करें, कहीं भी इस आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट न किसी को दी जानी चाहिए, लेकिन साथ साथ गोपालकों की जिम्मेदारी है कि गाय का दूध निकाल कर वे सड़कों पर या किसानों के खेतों पर न छोड़े। अगर वे छोड़ते हैं तो हमारे लोग इस प्रकार के आश्रय स्थल पर हम लेकर के आएंगे और उसके बाद अगर वो व्यक्ति अपने गौ गाय के लिए या गोवंश के लिए उस संस्थान के पास आता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाने की व्यवस्था भी ये संस्थाएं फिर से करेंगी। और इसलिए आज के अवसर पर महानगर को और उसके आसपास के जितने भी हमारे कस्बे होंगे और सभी कस्बों को भी निराश्रित गोवंश से मुक्ति दिलाने का काम नगर निगम करेगा, साथ साथ जिले के अंदर किसानों की खेती को भी नुकसान न पहुंचे जिसके जितने भी निराश्रित गोवंश हैं उनके लिए भी जिले में ऐसे ही केंद्र बनाने के धनराशि उपलब्ध की गई है। उस धनराशि का बेहतर उपयोग करके किसानों को राशि गोवंश से होने वाली फसलों के नुकसान से
बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि पूरा महानगर निराश्रित गोवंश से मुक्त होकर जो गोवंश भी यहाँ रखा जाए उनके लिए चारे की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर प्रॉपर रूप से हो, यह भी नगर निगम और जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा। विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर आप सभी नगर निगम से जुड़े हुए महापौर, पार्षद का, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, उन सबको गले से बधाई।